लिख के भिजवाना है सामने सामने, तो रिटर्न कम्युनिकेशन काम आएगा। बट उसके डॉक्यूमेंट्स कुछ है या यूपी सिंह को कुछ बताना है कि देखो ये लोग आपने ये किया था या इसने ये किया था, या उसके विजिटिंग कार्ड पर से वुड बी इन फ्रेंच वहाँ पर। सो आपको समझने के लिए तीनों फॉर्म कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओ। एक रोबोट, या तो फिर रोबोट बन के जाओगे, रोबोट बन के आओगे, हाँ देखा सर बट समझ नहीं आया कुछ। सो दैट इज द वेरी रीजन वाई वी आर putting down efforts in making you learn three languages. Now it comes three language burden हो गया है। कभी स्पाइडी देख रहा हूँ, कभी इंग्लिश बोल रहा हूँ, कभी फ्रेंच सीख रहा हूँ। Do you know even एक फ्रेंच का सीखने का पैसा कितना लगता है? फ्रेंच कोर्स कितने का है मार्केट में? At least minimum 40,000 rupees to learn the same thing what you are learning. Same, uska course alag nahi hai, it is same basic and advanced. Basic ke 40,000 pe, advanced ke saath 60,000 rupees. So entire course is 1 lakh rupees. Ab itna mehanga kyun? The company is also expanding, sir. वो कंपनी दे रही है विद द इंटेंशन कि आप सीखोगे। या यू हैव टू लर्न, इट इज वन वे। हाँ ठीक है, कंपनी का ये फायदा है। नाउ आपका क्या फायदा है इसमें? मार्केट में कोर्स इतना महंगा क्यों है? बिकॉज उसकी इतनी डिमांड है। If someone is paying you 1 lakh, अगर मैं मार्केट में जाके उस इंस्टीट्यूट को 1 lakh रुपए दे रहा हूँ, तो obviously I'll expect in something in return कि यार मैं ये कोर्स किया तो मुझे अगर 2 लाख 3 लाख का अगर कमाने मिल रहा है तो ये वर्थ है, वरना अगर वो करने के बाद कुछ नहीं मिलेगा तो देयर इज नो वर्थ। कौन डालेगा पैसा मार्केट में? सो दैट काइंड पावर अ लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज हैज इन इंडिया बेसिकली। I recently went to Bangalore, India-China conference thi. So they had hired Chinese interpreter and translator. Same problem, वो कुछ बोल रहा है आपको नहीं समझ आएगा because आपको पता नहीं क्या बोल रहा है। वहाँ पे ये Chinese सीखने का जरूरी नहीं कि it is a 2 day event, 2 दिन के लिए कोई Chinese सीख के नहीं जाएगा event. So they hired a interpreter बीच में, जो जिसको इंग्लिश भी आता हो जिसको चाइनीज भी आता हो। वो एक दिन के इवेंट का कितना चार्ज किया होगा उसने, इंटरप्रेटर ने लिया होगा? फॉर 2 day इवेंट ही चार्ज 1.5 lakh रुपीस। 2 day इवेंट और कुछ नहीं करना, ये जो बोल रहा है समझना है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में जो बोल रहा है समझना है, इनको ट्रांसलेट करना है। इट्स नॉट इजी। हम जो बोल रहे हैं कि हमें दिखता है वो 1.5 लाख रुपए 2 दिन का, बट वो 2 दिन का कमाने के लिए ही हैड स्पेंड ऑलमोस्ट 7-8 years इन लर्निंग टू लैंग्वेजेस। इट्स नॉट इजी, डेफिनेटली नॉट इजी। बट अगर मार्केट कब पैसा देगी, जब ऐसे लोग बहुत कम हैं। आपके सराउंडिंग में फ्रेंच कितने को आती है? आई डोंट थिंक सो। मेरे तो रिलेटिव तो को किसी को नहीं आता। फर्स्ट टाइम में कि फर्स्ट टाइम ही स्वाहिली भी सीखे और सुना और फ्रेंच भी नहीं सुना। और लैंग्वेज ऐसी चीज है जो लाइफ टाइम रहती है। हाँ प्रैक्टिस छूटने के बाद भूल जाओगे थोड़ा बहुत, बट वो अंदर आ जाता है। मैं कर्नाटका में आई थिंक 3.5 years था, अभी बोल नहीं पाता हूँ टूटा फूटा, बट मैं समझ पूरा जाता हूँ। इज वेरी लाइव एग्जांपल, ही कुड इवन स्पीक इट। या यू हैव सीन इट।
So it is not something कि ये छह महीना किया और आपके दिमाग में से निकल जाएगा. It's kind of a swimming. एक बार आ गया तो आ गया. और डेफिनेटली आपको हर स्टेज ऑफ लाइफ में ये इम्पोर्टेंट, इंक्लूडिंग आपके बच्चे को भी सिखाने में यही काम आना. एज अ करियर देखो, एज अ अपॉर्चुनिटी देखो, एनी न्यू लैंग्वेज इज वुड गिव यू एडेड एडवांटेज इवन इन योर रेज्यूमे पर से. सो आप शॉर्ट देखो तो भी फायदा है, लॉन्ग देखो तो भी फायदा है. And this is the only opportunity you will have in your life. अभी वरना फिर बाद में 1,00,000 रुपए पे करके ही सीखना पड़ेगा, कोई नहीं सीखा. So don't take it as a burden. That is, मतलब समझ के करो, this is the only thing you need to do right now, 1 महीने और कुछ नहीं करना. It's an opportunity. 100% market. Secondly, as far as आपके result is concerned, paper is concerned, हमें scholar नहीं बनना, but then we need to have that kind of at least foundation कि वहाँ पे जाके हम कोई नहीं होंगे. It would be like real life situation. आप है और वो Congolese बंदा है. आपके survival में ही काम आना और कोई चीज काम नहीं आएगी. हम कितना भी जीपीएस दे, ये दे, ट्रांसलेटर दे, कुछ काम नहीं. और ये मत समझो कि सिर्फ इंटरेक्शन तक ही है हमारा, कि हमारा तो काम है, क्वेश्चन है, आएंगे लेंगे और लिए. आपको खाना भी मांगना होगा ना, तो वही लैंग्वेज में मांगना पड़ेगा. अगर कहीं जाना होगा, घूम गए, डायरेक्शन पूछना है, तो वही लैंग्वेज में पूछना. मतलब इतना वो है. और यहाँ तो मतलब इट इज, चलो कर्नाटका में आप गए, एटलीस्ट समझ जाते हो और आपको फैमिलियर सराउंडिंग होता है कि हाँ इंडिया ही है. इट्स नॉट इंडिया. सुबह जाओगे भी ना, सुबह सुबह 7 बजे उठोगे, रात को 11 बजे तक ना हिंदी बोलोगे, ना गुजराती बोलोगे, ना यहाँ की लोगी लगे हुए, एक ही लैंग्वेज सुनाई देगी, वही है. It would be very difficult. मतलब आप ना खाना मांग सकते हो, ना रास्ता पूछ सकते हो, ना किसी से हाई बोल सकते हो, ना ट्रैवल कर पाओगे. किसी को बस में भी जाओगे तो क्या बोलोगे, बस आ रही है, जा रही है, कहाँ जा रही है, कौन सी बस आ रही है, पता नहीं. There is a life skill. मतलब it is like जीना मरना है अभी. It is 1 month you have in your hand. तो व्हाटएवर जो सिचुएशंस आ सकती है, सिमुलेट कर सकते हो, करो, रोल प्ले करो, बट देन यू हैव टू डू इट. क्वेश्चन है तो ठीक है, एक है पार्ट, बट देन सर्वाइवल नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं. और जब आप मिलते भी हो तो वेरी फर्स्ट फैक्टर इज ट्रस्ट. उनके लिए आप फॉरेनर ही हो, हमारे लिए जैसे कोई भी आता है, इवन वेस्टर्न से आता है तो हमारे लिए फॉरेनर है, यूरोप से आता है तो भी फॉरेनर है, ऑस्ट्रेलिया से आता है तो भी फॉरेनर है. हमें नहीं पता वो कहाँ से है, हमारे लिए वो फॉरेनर है. आप फॉरेनर से बात करते हो, रास्ते में मिला करते हो, अनलेस अंटिल वो आपसे पूछे तब से आप बात करते हो. आप फॉरेनर हो, ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है. ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आप अगर उनकी लैंग्वेज में बात करोगे तो ही ट्रस्ट ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा. भले आप टूटा फूटा बोलो, कोई नहीं, आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप एकदम फ्लुएंट बोलो, दर 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 दर, बट एटलीस्ट टूटा फूटा बोलो चलेगा. वो क्या बोल रहे हैं वो समझो, चलेगा. और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. अभी सर और इनमें और डिफरेंस क्या था, सर वॉज हम्बल, सर वॉज पोलाइट, सर
सर ने टॉपिक यहाँ वहाँ जाने नहीं दिया, जहाँ उसने पैसे की बात की उसने काट के। सो कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट व्हाटएवर यू डू इन योर लाइफ। एक सिंपल सा है, मतलब एक बंदा सीईओ है एंड वन पर्सन इज अ स्टाफ उसका, व्हाट इज द डिफरेंस दोनों के बीच में? दोनों इंसान है, दोनों भगवान ने ही बनाया है पोस्ट, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस? एक क्यों सीईओ है, एक क्यों स्टाफ? वेल एजुकेटेड, एजुकेशन पढ़ाई और उसने जो और नॉलेज को अगर वो बता ना पाए तो वो नॉलेज भी कुछ काम नहीं था। वो नॉलेज भी कोई आके तुम्हारे दिमाग में जाके गाड़ेगा नहीं, पूछेगा नहीं क्या। हाँ वो सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट एक टाइम तक काम आते हैं, क्या मैंने बीएससी किया, मैंने ये किया। तो अगर वो सर्टिफिकेट से ही जॉब मिलनी होती तो इंटरव्यू होते ही नहीं। हाँ मैंने अप्लाई किया, सर्टिफिकेट दिया, जॉब दे दो मुझे, इंटरव्यू क्यों बुला था? खाली ऐड करता हूँ, अभी रिसेंट एक आर्टिकल आया था जो लिंक्डइन पे भी शेयर हुआ था। अभी जो ट्रेंड चल रहा है हायरिंग का, जॉब का, सर्टिफिकेट को इतने वैल्यू नहीं दे रहे। आप कैसे परफॉर्म करते हो इंटरव्यू में। इवन आप स्कूल में देखोगे, अभी सीबीएसई ने क्या किया है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नहीं आते, उसके रिलेटेड एक पिक्चर दिया जाता है और उसके ऊपर आपको स्टोरी बनानी है। सिचुएशन दी जाती है, उसके ऊपर आपको लिखना है। एप्लीकेशन बेस्ड है, मीन्स आपके थिंकिंग पावर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। तो अभी काफी ट्रेंड ये भी चल रहा है, खाली आपके आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट है, उसके पहले कैसा था उसके आधार पर सिलेक्शन।